राइट स्टूडेंट्स, होपफुली आपको मेरी आवाज आ रही होगी और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। असल में आज कुछ डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज थे, सो क्लास को रीशेड्यूल करना पड़ा। बट होपफुली मोस्ट ऑफ यू जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे ये बताइएगा कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक बात की थी। एनीवन कैन टेल मी कि लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी? आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तक करा दिया था। राइट जी, आज जो है वो हम सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो के आयोनाइजेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी में जो सबसे पहला फैक्टर है, दैट इज नोन टू बी एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। बल्कि मुझे और नहीं लिखना चाहिए, स्लैश करके मैं लिख रहा हूं, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, ये दो अलग अलग बातें हैं लेकिन इन दोनों का अल्टीमेट इंपैक्ट सेम है। एटॉमिक साइज का मतलब तो साइज ऑफ एन एटम है और एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है ये एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब है डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट। अब अगर जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के साथ ये आउटर ऑर्बिट है, एक न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। नाउ वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हम ऑब्जर्व करते हैं एटॉमिक रेडियस का। और आप ये बात खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैंने जब आयनाइजेशन एनर्जी आपको एक्सप्लेन किया था, आपको मैंने कहा था कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम जो है वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं तो वो न्यूक्लियस के जब करीब होंगे तो लॉजिकली आप सोचिए, वैसे तो हर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा होगा, बट एज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस उसका इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी जो अट्रैक्ट करने की पावर है, उसकी जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, वो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होती जाएगी, अट्रैक्शन पावर जो है वो कम होती जाएगी। और जितनी अट्रैक्शन पावर कम होगी, जितना न्यूक्लियस लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लूजली बॉन्डेड करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बॉन्डेड होगा, जितना इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्ट हो रहा होगा, उतना ही उसका रिमूवल आसान है
तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो फैक्टर हमें समझ में आता है वो ये है कि ग्रेटर द डिस्टेंस, यानी ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। लॉजिकली जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो एक एटम जिसका रेडियस ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका साइज भी बड़ा होगा, एक एटम जिसका रेडियस कम है तो डेफिनेटली उसका साइज भी कम होगा। तो ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस, जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा देन लेसर विल बी द, बल्कि लेसर से पहले एक बात और लिख देता हूं, बल्कि लेसर ही सही है, हाँ, ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस then lesser will be the attraction, lesser will be the attraction in between nucleus and outermost orbit, lesser will be the attraction in between nucleus and outermost orbit. जितना atomic radius बड़ा होता जाएगा outer shell के electron का nucleus से distance बढ़ता जाएगा, और जितना nucleus से distance बढ़ता जाएगा उतना ही electron जो है वो less attract होगा towards nucleus, और जितना इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जितनी उसकी अट्रैक्शन की पावर कम होती जाएगी उतना ही हम कह सकते हैं कि लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज का रिलेशन ये बन रहा है कि एटॉमिक रेडियस का मतलब हम लेते हैं डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट, और फिर हमने ये कहा कि जितना जो है वो एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा मींस एटॉमिक साइज भी उतना ही बड़ा होगा, और रिलेशन हम ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस देन लेस will be the attraction in between nucleus and outermost orbit. देखिए ये बात बड़ी सिंपल और लॉजिकल है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही जो मैग्नीट्यूड है आयनाइजेशन एनर्जी का वो कम होता जाए। वजह ये है कि जितना आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा वो उतना ही कम अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और उस इलेक्ट्रॉन को किक आउट करना, उस इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना आसान होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या उस इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना आसान होगा। तो आइडिया ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा, उतना ही आउटर इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस, एज ए रिजल्ट उनका रिमूवल, उनको रिमूव करना आसान होगा। तो हम अब ये बात अंडरस्टैंड कर गए कि आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का एक सिंपल रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ये तो मैंने आपको एटॉमिक रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बताया। अब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज गिवन है, यानी सॉरी डेटा बुकलेट में मैंने आपसे कहा था कि आप डेटा बुकलेट की आपको जरूरत पड़ेगी, और डेटा बुकलेट के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस का डेटा गिवन है।
जिस तरह मैंने पिछली क्लास में आपको आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा शो किया था, इसी तरह से एटॉमिक रेडियस का भी डाटा गिवन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इससे कनेक्टेड आपसे एक और बात करने जा रहा हूं, जो कि आप ओ लेवल में पढ़कर आए पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी। पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती हैं जो आप स्टडी करते हैं, एक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स होते हैं और एक पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं। एक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में होते हैं एलिमेंट्स अरेंज और एक पीरियोडिक टेबल में पीरियड में अरेंज होते हैं एलिमेंट्स। तो जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट ग्रुप में अरेंज होते हैं तो ग्रुप हम किसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को ग्रुप कहा जाता है। वर्टिकल कॉलम्स का मतलब यह है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हैं तो वो तमाम एलिमेंट जो ऊपर से नीचे एक ही लाइन में होते हैं, एक ही कॉलम में होते हैं, हम उन्हें एक ही ग्रुप का मेंबर कंसीडर करते। तो वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम ग्रुप कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है। ये चीज आप ओ लेवल में पढ़कर आए हैं। ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप के मेंबर्स में आउटर ऑर्बिट जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बेरिलियम ये ग्रुप टू का मेंबर है, ग्रुप टू का पहला मेंबर है और इसका प्रोटॉन नंबर 4 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। इसी ग्रुप का अगला मेंबर पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 and 3s2। और इसी तरह से अगला मेंबर जो है वो कैल्शियम है, कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर 20 है और कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 and then 3s2 और फिर 3p6 and then 4s2। आप देखिए, मैंने आपके सामने ग्रुप टू के तीन मेंबर्स लिखे हैं टॉप टू बॉटम और इन तीनों एलिमेंट्स में कॉमन बात यह है कि इन सब का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, सब में s2 आ रहा है आखिर में। लेकिन जो फर्क आ रहा है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल का है। पहले एलिमेंट का आउटर ऑर्बिट वैलेंस शेल 2 है, दूसरे का 3 है और तीसरे का 4 है। इससे नीचे जाएंगे कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम आता है, वो 5s2 होगा। स्ट्रॉन्शियम के बाद रुबिडियम आता है, रुबिडियम 6s2 होगा। तो बात क्या समझ में आई कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप एक कैरेक्टर कॉमन है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्बिट के इंक्रीज होने का मतलब यह है कि डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट इंक्रीज करेगा और जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। यानी इसका मतलब यह है कि अब यह बात तय हो गई कि पीरियोडिक टेबल में जब भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, चाहे वो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 हो, 2 हो या 13 हो, 14 हो या कोई और ग्रुप हो, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं,
नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होने का मतलब यह है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने का मतलब यह है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गई, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया, तो अल्टीमेटली डाउन द ग्रुप जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज डिक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज डिक्रीज करती हैं कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटॉमिक रेडियस, या सॉरी इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट, एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के दरमियान अट्रैक्शन की पावर कम होगी और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आसान हो जाएगा, और आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी, जब ये बात पेपर के अंदर सारा सवाल आता है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, Describe and explain general trend of ionization energy down the group. तो describe में आप लिखेंगे कि ionization energy decreases down the group. ये describe हुआ, और explain करने में आप उसका reason बताएंगे कि क्यों ionization energy कम हो रही है. उसमें आप बताएंगे कि due to increase in number of orbit, distance in between nucleus and outer orbit increases. Therefore, electron is less attracted towards nucleus and removal of electron become easier. And removal of electron become easier. So, as the number of orbit increases, atomic radius increase hota hai, aur atomic radius ke increase hone ka matlab ye hai ki nuclear attraction kam ho jayegi, और आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपको हमेशा डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। अच्छा, अब इस बात को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा बुकलेट। अब डेटा बुकलेट में आपको मैं बता चुका हूं कि जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो सिलेबस के लास्ट के कुछ पेजेस जो हैं उसमें डेटा बुकलेट है। इसमें पहले पेज पर कांस्टेंट वैल्यूज का डेटा है, और ये है दूसरा पेज जो आयोनाइजेशन एनर्जी का है। अच्छा, ये मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ जी। मेरा ख्याल है कि ये हमें देखना चाहिए। अब मैं ग्रुप टू के मेंबर की बात करूं, आप देखिए कि पहला मेंबर है ग्रुप टू का बेरिलियम 900, अगला मेंबर है मैग्नीशियम 736, उससे अगला मेंबर है 590 कैल्शियम, और फिर कैल्शियम के बाद कैल्शियम के बाद रुबिडियम है 403, और स्ट्रॉन्शियम है 548। अब अगर आप दोबारा से ट्रेंड देखें, 900, अगले मेंबर का 736, उससे अगला मेंबर 590, उससे अगला मेंबर 548, उससे अगला मेंबर 403। तो यहां पर डेटा बुकलेट से भी बात प्रूव हो रही है, उसकी वैल्यू से भी ये बात प्रूव हो रही है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से जनरल ट्रेंड ये है कि आयन जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं वो डिक्रीज करती हैं, और उसका रीजन आप वही एक्सप्लेन करेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब बेटा, अगर आप
में से किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, डेटा बुकलेट मैंने कहा था कि आप सबके साथ होनी चाहिए ताकि जब मैं कोई बात डिस्कस करूं तो वो चीज आपके सामने हो। तब आपके पास अगर नहीं थी डेटा बुकलेट तो अब आप डेटा बुकलेट के साथ खुद देख लीजिएगा और आप देखेंगे कि ग्रुप टू के मेंबर्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज गिवन है, जब हम ग्रुप टू में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है और ये जनरल ट्रेंड है। अब सवाल क्या आता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि describe and explain general trend of ionization energies down the group. Describe and explain. अब आपका डिस्क्राइब जो है, लफ्ज डिस्क्राइब का मतलब सिर्फ आपको ये बताना होता है कि बढ़ेगा या कम होगा। तो ये आपने डिस्क्राइब कर दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और फिर एक्सप्लेनेशन में आपको बताना होता है कि इसकी बिहाइंड साइंटिफिक रीजन क्या है। ये जो आपने डिस्क्राइब किया है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि इसके बिहाइंड रीजन क्या है। और जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन उसी तरह से करेंगे कि एटॉमिक डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट के इंक्रीज होने का मतलब यह है, कि डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इंक्रीज होगा। और डिस्टेंस के इंक्रीज होने का मतलब यह है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी एंड अल्टीमेटली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजियर। एज अ रिजल्ट लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एज वी गो डाउन द ग्रुप। ये इसकी एक्सप्लेनेशन कि आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड डाउन द ग्रुप कम क्यों होता है, उसकी वजह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि क्यों जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम होती। अगर इसमें आपका कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, तो ये जनरल ट्रेंड और इसके साथ साथ मैंने फैक्टर को डिस्कस कर लिया। ये दोनों बातें चूंकि आपस में कनेक्टेड थी, पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि फैक्टर क्या है, एटॉमिक रेडियस, उस पर हमने बात की कि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आसान होगा, लिहाजा हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। बढ़ता जाता है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम होती जाती। फिर मैंने अगली बात आपको ये बताई कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगी। अट्रैक्शन कम होने का मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो अल्टीमेटली आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी as we go down the group. ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन?
राइट जी, अब हम मूव करते हैं सेकंड फैक्टर पर, और जो सेकंड फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करता है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, या इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अब यकीनन चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है जब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो, नंबर ऑफ वैलेंस शेल सेम। अगर ऑर्बिट का नंबर चेंज हो गया, देखें जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेडियस भी इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आप स्लैश कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर प्रोटॉन का इंपैक्ट इसलिए नहीं आता कि न्यूक्लियस न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से हम ये कहते हैं कि